एवरीवन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के ब्लॉग में मैं आपको शॉर्टली बताने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस जो कि मेरा रहा था अजान के होने के बाद, फर्स्ट बेबी के बाद और इब्राहिम के होने के बाद। फर्स्ट बेबी में मुझे नहीं पता था कैसे डाइट करनी है, क्या डाइट करनी है। लोगों ने बोला सर ढक लो, लोगों ने बोला ये कर लो, लोगों ने बोला वो कर लो। कुछ नहीं करती थी, ठंडा पानी पीती थी, सब खाती थी, सब पीती थी, मौज मस्ती करी, पेट निकल गया। अच्छा, सेकेंड बेबी में हम चलाक हो गए। हमें पता था कि भाई ये चीजें करनी है, वो चीजें करनी है, इससे ये होगा, उससे वो होगा। सबसे पहले तो बात है भाई, फर्स्ट बेबी जब होता है ना, आपको इतना कुछ पता नहीं चलता, कोई इतना गाइड करने वाला भी नहीं होता। लोगों की गाइडेंस जो है ना, कुछ लोग जानबूझ के नहीं बताते। मेरे केस में तो बहुत सारी चीजें होती थी, मैं किसी से पूछती थी भाई सर कैसे बनेगा, भाई ये कैसे होगा, वो कैसे, सब हवा में उड़ा देते, कुछ नहीं बताते थे लोग। भाई ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, किसी ने गाइड नहीं किया, किसी से कुछ पूछो तो बोलते थे ऑपरेशन के बाद बताएंगे तुम्हें कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था ऑपरेशन। भाई ऑपरेशन से पहले बता देते तो हमारी हेल्प हो जाती। कोई टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं है। यूट्यूब इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पे आपको हर चीज मिल जाती है। यहाँ पे सर्च करो, आपको हर चीज पता चल जाएगी। अब बारी आती है भाई मेरी। जब मैं अपना दूसरा बेबी पैदा करने के लिए जा रही थी तो मेरा वेट हो चुका था तकरीबन भी 65 प्लस। अच्छा, 65 प्लस मेरा वेट था। और आप लोग यकीन करोगे कि ये मैंने मेरे पिछले व्लॉग्स देखोगे तो उसमें बताया था, विद इन 12 to 15 days मेरा 12 से 15 किलो वजन यूं कम हो गया था। वजह क्या थी मैं आपको बताती हूँ। एक तो मदर फीड पे कम है मेरा बेबी। मैं हमेशा से मदर फीड और फॉर्मूला मिल्क दोनों को लेकर चलती हूँ क्योंकि मेरा बाहर आना जाना रहता है, मैं मम्मा की तरफ बच्चा छोड़ छोड़ के जाती हूँ। तो जाहिर सी बात है उसको कुछ तो अल्टरनेटिव चाहिए था। इससे कुछ नहीं होता, कोई ऐसी बात नहीं है, इट्स कम्प्लीटली फाइन, कोई टेंशन की बात नहीं है। दोनों चीजें बच्चा कर रहा है, ठीक है, इट्स फाइन एंड हेल्दी। अब भाई हम अपनी अपना ख्याल कैसे रखेंगे, हमें अपना भी तो ख्याल रखना है ना। मैं आपको एक मस्त चीज बताती हूँ भाई। आपको लोग बोलेंगे बहुत सारे कि भाई खाओ, भर भर के खाओ, बच्चा हेल्दी होगा, भाई ये खाओ वो खाओ, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ठीक है, इंसान वैसे भी खाता वही है जो उसको दिल करता है, क्योंकि इन सारी चीजों में कंडीशन ऐसी होती है लिटरली आपका इतना दिल नहीं करता कुछ खाने पीने का। अगर आप प्रेग्नेंट हो और आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन एक बात बता दूं, इतना वेट मत बढ़ाओ कि आप लोग को बाद में उतारना मसला हो जाए। ठीक है, खाओ पियो, हर चीज करो, हेल्दी एक वो करो, लेकिन इतना भी ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए भाई। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन समटाइम ऐसा होता है हमें फोर्सफुली कहा जाता है ये भी खाओ वो भी खाओ ये, उससे इतना वेट हो जाता है, देन उसके बाद उसको निकालना कम वो हो जाता है, मुसीबत हो जाती है। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था, मैंने जो जो चीजें करी थी मैं आप लोग को बता देती हूँ, उससे आप लोग अपना वेट कम कर सकते हो। आज की वीडियो जो काम की है वो है डिलीवरी वाले लोगों के लिए, और वो है ऑपरेशन हुआ, सी सेक्शन हुआ हो या फिर आपका नॉर्मल हुआ हो, उन दोनों वालों के लिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे ही आपकी डिलीवरी हो गई है ना, आपने अपनी अम्मी को बोल देना, अम्मी सौंफ अजवाइन का पानी ला दें। अपनी सास को बोल दीजिएगा, अपनी नन को बोल दीजिएगा, अपनी बहन को बोल दीजिएगा कि भाई सौंफ अजवाइन का पानी। आपने करना क्या है, मैं आपको बोतल दिखा देती हूँ, एक सेकेंड आप ना ये वीडियो सेव कर लो कहीं पर, अगर आप डिलीवरी के बाद आ रही हो और अगर अभी आप देख रही हो तो आप थोड़ा सा चलाक हो जाओ ताकि आपको आपकी चीजों का पता हो। सबसे पहले आपने अपनी अम्मी को बोलना है कि अम्मी आपने करना क्या है, अजवाइन लेनी है। अजवाइन के भाई आपने 4 टेबलस्पून, बड़े वाले जो होते हैं 4 टेबलस्पून आपने अजवाइन ले ली, और आप 6 टेबलस्पून जो है ना ये ले लो सौंफ। 6 भी ले सकते हो 8 भी ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, कम ज्यादा हो जाए कोई मसला नहीं है। आपने सौंफ अजवाइन को लिया 4 टेबलस्पून 6 टेबलस्पून, उसके बाद आपने पानी कितना लेना है, आपने ये 1 लीटर वाली 2 बॉटल्स लेनी है, और फिर जब ये 1 लीटर रह जाए तो आपने इसको स्ट्रेन करना है, छानना है, एंड देन उसके बाद वो पानी आपने बराबर में रख देना है। अब सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं भाई कि हमें गर्म पीना है, हमें नीम गर्म पीना है, हमें ठंडा पीना है, हमें कैसे पीना है। कोई टेंशन नहीं है, नीम गर्म गर्म ठंडा कैसा भी पी लो, पीना है। मैं तो ये बॉटल बना के अपने बराबर में रख देती थी, पीती रहती थी। इससे सबसे ज्यादा जो असर होगा ना वो होगा आपकी इमिजिएटली आपकी टमी पे। इंशाल्लाह आप देखिएगा आपकी टमी नहीं निकलेगी। मैं आपको ये अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ कि अगर आप रेगुलर 3 महीना प्रेगनेंसी के बाद ये करते रहे आपकी टमी नहीं निकलेगी, उल्टा आपका वेट कम हो रहा होगा। आप बोलोगे यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। ठीक है,
इससे आपके फीट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आपका बेबी फीट पर है, टोटल 100% आप उसको फीट कराते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप पी सकते हो। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने डॉक्टर से पूछा है, बड़ों से पूछा है, ये तो एक ऐसी चीज है जो सभी करते हैं। अब बारी आती है कॉफी की। कॉफी बड़ी अच्छी होती है, आपको पता ही होगा, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी हर चीज के लिए कॉफी बहुत अच्छी होती है। जब अगर आपका ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के बाद मुझे मेरी डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि उरूज आपने दिन में एक बार कॉफी तो लेनी लेनी है। अच्छा, अब आपने ये मिल्क के साथ नहीं लेनी है, मैंने ये साशे मंगवाए। साशे क्यों मंगवाए मैं आपको दिखाती हूँ, खत्म होने वाले हैं बाय द वे। ये 60 साशे थे और अब देखो 2, 4, 6, 10, 11 बचे, 60 थे ये, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डेली आपने ये सौंफ अजवाइन का पानी तो आपका सुबह से रात तक चल रहा है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक बार ना आप ये एक बार रात को, मतलब सोने से 4 घंटे 5 घंटे पहले आपने एक साशे लिया, गरम गरम पानी में आपने ये डाला, अच्छे से आपने जो है ना वो एक ब्लैक कॉफी पी ली। थोड़ा दिल को मारो, बहुत कड़वी होती है, मैं तो यकीन करें इतना पसंद करती हूँ इसको, मैंने अपनी भाई बहन अपनी जान जानू बनाया हुआ है, मैं गर्मी में भी पीती हूँ, मेरी आदत है, इससे सही रहता है, यकीन करें वेट ऐसे तेजी से कम होगा ना कि आप बोलोगे यार जबरदस्त, ये पीना है। और इससे आप एनर्जेटिक रहते हो, इससे कोई आपको फिर बहुत ज्यादा भूख शूख भी नहीं लगती, बड़ा अच्छा रहता है, आप करके देखना। ऑपरेशन हो गया, आपने ये कर लिया और आपने ये कर लिया, फिलहाल तो देखो फौरन से ना आप इतना ही कर सकते हो क्योंकि अभी आपका रिकवरी का टाइम है। अभी आप जो है ना तकरीबन भी कोई 40 दिन तक, अगर आपका ऑपरेशन हुआ है तो गोश वोश ये वो हर चीज अच्छे से खानी है। 40 दिन तो क्या मैं कहती हूँ, आप 2-3 महीने ये आपका ऐसा प्रीशियस टाइम होता है कि इसमें आपने ना कोई फिक्र नहीं करनी। एक माशाल्लाह बच्चा पैदा करा है, ठीक है, 9 मंथ्स उसको पेट में रखा है भाई, अब वो बच्चा माशाल्लाह दुनिया में आया, तकरीबन भी 9 महीने तो दो, चिल्ड मारो, मोटे हो गए हो, कुछ हो गए हो, चिल्ड मारो, आराम से खाओ पियो, ऐश करो। 6 महीने ऐश कर लिए, 9 महीने ऐश कर लिए, पर कुछ ऐसा होती है कि वो सालों नहीं देखती अपने आप को, करना चाहती हैं, शायद उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, सही तरीके से पता नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना। कोई टेंशन की बात नहीं है, ऐसा डाइट प्लान आप लोगों को मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में, देख लो, इसमें भी बता देती हूँ। सुबह में आपने जो है ना वो 2 अंडे खा लिए, एक आपने कॉफी पी ली या ग्रीन टी पी ली, दोनों में से कोई एक चीज आपने कर ली। दोपहर में सालन रोटी बनी है, थोड़ा सा सालन लिया आपने, एक रोटी ले ली, एक चपाती ले ली आपने, वो खा लिया, उसके साथ ग्रीन सैलेड भर के, चुकंदर खीरा गाजर गोभी पत्ता, हर चीज जो भी आपको पसंद है बोल बना लो, भर के सैलेड खाओ, हेल्थ ऐसी बल्ले बल्ले और आपका वेट नहीं बढ़ेगा। हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद ये है कि हम लोग खाएं पिए ऐश करें, लेकिन थोड़ा सा पोषण में हम लोग खा लें, थोड़ा सा हाथ जरा खींच के रोक के खा लें। याद रखिएगा, हेल्दी रहना बहुत अच्छी बात है, रिकवरी के टाइम तक तो ठीक है, लेकिन अपने सालों तक बिल्कुल अपना ख्याल ना रखना ना वो गलत है, ठीक है। कई लड़कियां हैं, मैं फिर से बोल दूंगी, जो करना चाहती हैं लेकिन उनको नहीं पता होता, तो आप लोग ऐसे कर सकते हो कि आप सालन खा लो, उसके साथ एक चपाती ले ली, रात में आपने टिक्का ले लिया, टिक्का नहीं तो थोड़े से चावल के साथ आपने सालन ले लिया, ओनली बॉइल्ड राइस, मैं बात कर रही हूँ पुलाव बिरयानियां शिरयानियां ये सब नहीं, टिक्का भी अगर आप ले रहे हो उसके साथ आपने एक चपाती ले ली। अच्छा, अगर आपको बहुत तेज भूख लगती है तो आप मल्टीग्रेन जो एक ब्रेड आती है ब्राउन ब्रेड ले लो, वो आपने सिर्फ एक टोस्ट अलाउड है, आप सुबह में ले सकते हो वो बॉइल्ड एग के साथ, ये आपकी डाइट होनी चाहिए। इसको कहते हैं कंट्रोल डाइट, जो आप खाना खा रहे हो उसको पोषण में आपने कंट्रोल कर लिया, एंड दैट्स इट। इसके अलावा आपको बीच में क्रेविंग हो रही है, भूख लग रही है, ग्रीन सैलेड ले लिया, भूख लग रही है, आपने मुट्ठी भर के भाई बादाम पिस्ते ले लिए, मुट्ठी भर के आपने बादाम पिस्ते ले लिए, अगर आपके पास बहुत ज्यादा बादाम पिस्ते नहीं है, ये देखो एक आपने इंजीर ले ली और इसके साथ आपने ये बादाम और ये थोड़े से आपने अखरोट वगैरह ले लिए, ये इतने से आप ले सकते हो मुट्ठी भर के, ये आप खा सकते हो मुट्ठी भर के, एक दिन के लिए रख लो, फिर थोड़ा थोड़ा करके ऐसे खाते रहो अगर आपको आदत है। देखो थोड़ा थोड़ा करके ही होगा, थोड़ा बहुत चीटिंग करने का दिल चाहेगा हल्का बहुत, इट्स ओके, आप कर लो, आदत बनाओ। हम लोग जो ना एकदम से होश होके डाइटिंग करते हैं, कुछ भी नहीं खाएंगे बस बर्बाद, जिंदगी खत्म हमारी, अब हमें खाना ही नहीं है, हमें ये भी नहीं खाना, हमें वो भी नहीं खाना, हम बस आज ही पतले हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, वो आप सस्टेनेबल नहीं होता ना, आप वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाओ, इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है, अल्लाह की कसम इतना मजा आ रहा है ना मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्लीन ईटिंग कर रही हूँ, उठ के भाई 2 अंडे उबले हुए, एक मैंने जो है ना ब्लैक कॉफी पी ली, नाश्ता हो गया, वरना ये बना रहे ऑमलेट बना रहे फलाना,
जो भी रोटी बनी हुई है, वो जो भी सालन बना हुआ है, एक चपाती ली खा ली, खत्म, खलास। रात का खाना टिक्का मंगवा लिया, उसके साथ चपाती खा ली, वरना भाई बॉइल्ड राइस ले लिए, कोई भी सालन है पड़ा हुआ है वो ले लिया। हमारा तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, ग्रीन टी पी ली, कॉफी पी ली, दिल कर रहा है एप्पल खा लिया, दिल कर रहा है आपने एक एक चलो ऑरेंज ले लो आप फ्रेश जूस में। मैं आपको प्रॉपर देख के बताऊंगी, आप वो सर्च कर लो कि कौन सा फ्रेश जूस आप ले सकते हो जब आप डाइट कर रहे हो। तो ये सारी चीजें कर लो, इसको हेल्दी लाइफस्टाइल कहते हैं भाई। ऐसा ही लाइफस्टाइल बना लो, कंट्रोल करो, चीनी नॉट अलाउड, मीठा नॉट अलाउड, ठीक है, इस तरह की चीजें ना, फ्राइड आइटम नॉट अलाउड, पराठे शराठे नॉट अलाउड, ये सब कुछ अलाउ नहीं है। या तो फिर बहुत तेजी से वजन कम करना है तो इंटरमिट फास्टिंग कर लो, उसमें विंडो का सीन होता है ऐसा कि 24 घंटे में आपने 8 घंटे खा लिया, 16 घंटे आपने जो है ना भाई वो कर लिया। रमजान आ रहे, आप रमजान में जो है ना वो इंस्पिरेशन ले लो, मुझसे ही ले लो, मैं तो इंशाल्लाह रमजान में करने वाली हूँ कि रोजे भी रखूंगी। यकीन करें इस रमजान के लिए इतनी एक्साइटेड थी मैंने बहुत सारी घर की डेकोरेशन की चीजें लाई हूँ, सब कुछ लाई हूँ, कपड़े शपड़े ये वो कि यार अच्छे से घर वर सजाएंगे, इस बार रमजान में इबादत होगी, और ना पहले से प्लान कर लिया हम लोग यहाँ चलेंगे वहां चलेंगे, लेकिन अब मैं डाइट पर आ गई हूँ। अब मैंने सोचा है रमजान की एक इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको अभी से रमजान की अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह अवेल करके दिखाऊंगी कैसे। रमजानों में हम लोग बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं, हम लोग पकौड़े खा रहे हैं, हम लोग ये सारी चीजें खा रहे हैं, जंक खा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज है ना कि रमजान में आप रोजा रखो और उसके बाद अगर आप हेल्दी फूड लेते हो ना, आपका वजन, मैं कहती हूँ आप इस 30 दिन के अंदर अंदर ना कम अज कम भी 10-15 किलो वजन आराम से कम कर सकते हो। ये ऐसा है, ऐसा होता है, ऐसा मैं कर चुकी हूँ शादी से पहले, ठीक है, पर अभी की जहां तक बात है ना, आप लोग देखना मैं आपको करके दिखाती हूँ। इंशाल्लाह मैं रोजे रखने वाली हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जो है ना वो डाइट के लिए रोजे रखने वाली हूँ। मैंने सोचा था मेरे कुछ रोजे छूटे थे क्योंकि बेबी की वजह से मैं नहीं रख पाई थी, तो वो सारी चीजें मुझे पूरी करनी है इंशाल्लाह, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप रमजान वाली डाइट कैसे फॉलो कर सकते हो, सारी चीजें गाइड करूंगी। आप लोग ऐसा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही मेरे रोजाना व्लॉग्स आएंगे मैं रोजाना अपनी डाइट दिखाऊंगी। मैं डाइट के अलावा अब कुछ नहीं करूंगी, मुझे मजा आ रहा है, नहीं अच्छा लगता। कोई आपको देख के एकदम से आपके मुंह पे कह दे मोटे हो रहे हो, नहीं अच्छा लगता। यार तुम्हारी यहाँ से गोश्त निकल रहा है, वहां से गोश्त निकल रहा है, नहीं अच्छा लगता। हालांकि लोग देखते नहीं है भाई, बच्चा पैदा किया है, अभी मेरा बच्चा 5 महीने का 6 महीने का होगा, लोग नहीं देखते, लोग जाहिलों की तरह आप पे कॉमेंट करते हैं, उनकी तो खैर सोचनी नहीं है। मैं बोलती हूँ अगर किसी और का सोच के कर रहे हो मत करो, अपना सोचो, खुद का सोचो, खुद का खुद से कॉम्पिटिशन करो। लेकिन समटाइम अगर कोई आपको ऐसे, मेरी अम्मी भाई इतनी क्रिटिसाइज करती हैं, कोई दुनिया मुझे कोई क्या बोलेगी, मेरी अम्मी मुझे बोलती है भाई, मेरे को बोल रही है, मेरी अम्मी मुझे कह रही है उरुज अच्छी नहीं लग रही, पतली हो जाओ, मोटी हो रही हो, मुझे आप देखो मैं अभी घर गई हूँ, मुझे ये सारे निकाल के इन्होंने ड्राई फ्रूट्स दिए हैं इतने सारे कि तुम ये खाओ, मुझे बहुत खुशी हो रही है, तुम्हारे मेरे मुझे लग रहा है, जाहिर सी बात है माशाल्लाह मुझे पूरा एक हफ्ता हो गया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो यार देखो अगर कोई आपको ऐसे क्रिटिसाइज वाली बात है ना तो दिल पे ले लो, बोलो यार बस अब तो मैं करके दिखाऊंगी, अब तो पतली होकर दिखाऊंगी, अच्छी लगती है यार, अच्छा लाइफस्टाइल कैरी करो, अच्छे से ये सारी चीजों को रूटीन को फॉलो करो, आप लोग सारी चीजें कर सकते हो। डिलीवरी वालों के लिए स्पेशली बोल रही हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि हम लोग का सीन ये होता है कि बेबी के बाद हम लोग बहुत ज्यादा वजन अपना बढ़ा लेते हैं, फिर खाते रहते रिकवरी के नाम पे खाते रहते ये भी खा रहे वो भी खा रहे बाहर सब कुछ, तो वो एक बहुत ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक 55 जो है किलो की लड़की थी, वो 80 किलो पे 85 किलो पे मैंने देखा है 100 से भी अबव हो जाता है। हमारी कितनी पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं जिनका मैंने देखा है, हो जाता है, ठीक है, इट्स नेचुरल, इट्स ओके, लेकिन फिर उसको बहुत जल्दी से रिकवर हमें करना चाहिए साल के अंदर अंदर। मैं कहती हूँ आप ले लो, टेक योर टाइम, 6 months, 7 months, 8 months, 1 year, उसके बाद लेकिन कुछ करो, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इन शॉर्ट मेरा आप लोग के साथ मकसद यही है कि अल्लाह ताला आप सब लोग प्यारे लगो, खूबसूरत लगो, पतले हो जाओ, अच्छे हो जाओ, घर की चीजों से हो जाओ, घर के ही उससे हो जाओ, क्योंकि देखो हमारे पास अभी इतना बजट नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हम इतना सारा सामान लेकर आए। हम लोग जो है ना सब्जी वब्जी ये सारी चीजें, मैं आप लोग को अपना टोटल सामान भी जो है ना वो दिखा देती हूँ। मैंने अपने कल के व्लॉग में दिखाया था शायद, अगर आप लोगों ने देखा हो, या परसों के व्लॉग में, कि मैंने क्या क्या किया। मैंने ना चने बॉईल करके रख लिए, मैंने बीन्स बॉईल करके रख लिए, ठीक है, लोबिया, रेड लोबिया, व्हाइट लोबिया आप बॉईल करके रख लो, आप जो है सारी सब्जियां ले लो सस्ती, ये सब चीजें आप एक बार ला के रख लो, आपका हफ्ता 15 दिन निकल जाएंगे, ऊंच नीच करके अपना खाते रहो मजे में, और मजे से अपनी ये वाली डाइट करो।
अब आप लोग बोलोगे इतनी बकवास इसने करी है, डाइट प्लान कहाँ है? डाइट प्लान यही है, कंट्रोल करके खाना है। नाश्ते में आपने अंडा ले लिया, उसके साथ एक ब्रेड ले ली, ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड, ब्रेड आपने ले ली, उसके साथ आपने ब्लैक कॉफी ले ली, उसके साथ ग्रीन टी ले ली। जाते जाते मैं आपको बता दूं, दाल चावल बने, आपने थोड़े से जो है ना वो चावल ले लिया, बोल इतना छोटा वाला जो होता है, या फिर हाफ प्लेट आपने, और इसके साथ आपने दाल ले ली, खा लिया। ग्रीन सैलेड की कोई लिमिट नहीं है, आप खा सकते हो, आप ब्लैक कॉफी पी सकते हो, आपको बहुत क्रेविंग हो रही है चाय की, आप ग्रीन पी सकते हो, उसमें लेमन जो है ना वो डालकर पी सकते हो, अदरक और लेमन का पानी पी सकते हो, जीरे का पानी पी सकते हो, और इसके अलावा सौंफ अजवाइन का पानी पी सकते हो, आप कॉफी पी सकते हो, आप रात में टिक्का खा लो, रोटी को और चावलों को अवॉइड करो, अवॉइड करो, मैंने नहीं बोला खत्म कर दो, ये खत्म वो वाली डाइटों में होता है जो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट चल रही होती है। हम अभी वो स्ट्रिक्ट डाइट बिल्कुल ही कट ऑफ नहीं कर पाएंगे, हमें एक लाइफ स्टाइल लेके चलना है, ठीक है? हम लोग वो वाला नहीं है कि बिल्कुल ही हमारे नौकर चाकर बैठे हमको हर चीज, मुझको भी भाई अगर कोई मेरे पास हो ना, कोई मेरे को बना बना के दे रहा हो, तो मैं स्ट्रिक्ट वाला डाइट प्लान भी फॉलो कर लूं, लेकिन मुझे बच्चे भी देखने, मियां भी देखना है, घर भी देखना है, तो मैं वो चीज करूंगी कि जो मेरे पास है। घर का खाना है भाई, एक रोटी से काम चला लिया, घर का खाना है भाई, बचा हुआ सालन है, इतने से राइस ले लिए, काम चला लिया, बहुत मजा आएगा, आपको आदत हो जाएगी। मेरी जुबान पे अब कोई मुझे टेस्ट इतना वो नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं रोजा रख रही हूं। मैं पानी भी, पानी ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, पानी। आपने ये वाली जो बॉटल्स है ना, ये 8-10 जितना हो सके खत्म करो। मैं 4-5 अब मेरी रूटीन में आ गई हूँ, बॉटल पी जाती हूँ। पानी सबसे ज्यादा आपने पीना है, आपने अपना ख्याल रखना है। और डिलीवरी के बाद मैं आप लोग को एक बात बता दूं, छोड़ दो कि कोई हमारा ख्याल रखेगा, सबको छोड़ दो, अपना ख्याल हम खुद रखेंगे, अपनी बॉडी का, अपनी खूबसूरती का, हर चीज का ख्याल हमने खुद ने रखना है। इन शॉर्ट मैं आप लोग मुझे बोलो कि ये चुप क्यों नहीं हो रही है, बस मेरा मकसद आप लोग को बताने का ये है कि आप हेल्दी रहो, आप स्मार्ट रहो, आप प्यारे रहो। मुझे बहुत अच्छा लगता है देखकर लड़कियों को, लड़कियां इंडिपेंडेंट हैं, लड़कियां कमा रही हैं, लड़कियां खा रही हैं, लड़कियां शादी के बाद भी अच्छी प्यारी लग रही हैं, खूबसूरत लग रही हैं, एक लाइफस्टाइल उन्होंने लेकर चल रही हैं, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। यकीन करें, मैं तो सबकी हेल्प करती हूँ, मेरे को कोई पूछता है भाई कोई ये चीज़ बता दो, वो चीज़ बता दो, इसको कैसे, उसको, मेरा दिल करता है मैं लड़कियों को चिल्ला चिल्ला कर बताऊँ जो प्रेग्नेंट है कि यार ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, टिप्स दूँ, जो मुझे मेरे पहले बच्चे के टाइम पे शायद चीज़ें नहीं थी, लोग बताते थे, लेकिन जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं होता, कहते ना ये बादाम खा के अकल नहीं आती है, ठोकर खा के अकल आती है, तो वो ठोकर मैंने फर्स्ट बेबी में खाई है। तो चाहती हूँ कि मेरी जो लड़कियाँ हैं, जो मुझसे प्यार करती हैं, जो मुझे देखती हैं, वो ठोकरें ना खाएं, उनको चीज़ों का पता हो। बाकी तो अल्लाह वाला भाई, जो अल्लाह ताला जो है ना वो प्लान करते हैं ना, वो बेस्ट प्लानिंग होती है हमारे लिए। अदरवाइज जो होना होता है, चाहे वो ऑपरेशन हो एंड टाइम पे या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला के, मुझे ऐसा लगता है, हाथ में है। सिचुएशन ये ऐसी हो जाती है, आपको कुछ पता नहीं चलता, बी मोटिवेटेड। अगर आपका ऑपरेशन भी हो रहा है, कुछ नहीं होता, मैं बहुत जल्दी ऑपरेशन वाली वीडियो डालूंगी। वीडियो ऑपरेशन वाली डालने का मकसद सिर्फ ये है, मैं बहुत डर रही थी यार ऐसे सोचेंगे वैसे सोचेंगे, फिर मैंने सोचा मैं कौन सा किसी के बारे में सोचती हूँ, आज तक सोचा है मैंने क्या चीज़ नहीं छोड़ी जिसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई, तो मेरे को वैसे भी कोई परवाह नहीं है, तो मैं डालूंगी, आप देखना ऑपरेशन कैसे होता है। इट्स वेरी इजी, कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से होगा, आराम से आप इंशाल्लाह रिकवर हो जाओगे। मैं फौरन 3-5 दिन में माशाल्लाह रिकवर हो गई थी, आप लोग उससे भी जल्दी हो सकते हो। आप देखना मेरा ऑपरेशन कैसे करवाया है, और कोई टेंशन की बात नहीं है, चक दे फटे, अल्लाह ताला आप सब लोगों के नसीब अच्छे करे, और अल्लाह ताला आप लोगों को हेल्दी, ताला आप लोगों को हेल्दी बेबी दे, चाहे वो बेबी गर्ल हो चाहे वो बेबी बॉय हो, अल्लाह ताला साथ खैरियत से सारी चीजें हो, और हर चीज साथ खैरियत से हो। एंड बस मेरी यही दुआ है आपसे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप लोगों के मेरे पास इतने मैसेजेस हैं कि आपने अपना वो क्यों नहीं डाला, सी सेक्शन वाला जो आपने ऑपरेशन की वीडियो कही थी, मैं डाल दूंगी, कोई टेंशन की बात नहीं, अब इंशाल्लाह डाल दूंगी, फेस रिवील वीडियो बना दी है वो डाल दूंगी, बहुत सारी चीजें जो मैं आप लोग के लिए कर रही हूं। तो आप लोग मेरे लिए ये कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, रोज चीजें बताऊंगी, रोज अच्छी अच्छी चीजें आप लोग के लिए लेकर आऊंगी इंशाल्लाह। बस उरूज इस्माइल को आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है, मेरी वीडियोस देखते रहना है, चलाक होते रहना है, अपना हक लेना सीखना है, समझ रहे हो, हमें सब पता है, वो वाला सीन है। चलो ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना, हेल्दी रहो, पानी पीते रहो, नट्स खाते रहो, कॉफी पीते रहो, सौंफ अजवाइन का पानी पीते रहो, नॉर्मल डिलीवरी हो, ऑपरेशन हो, घबराना नहीं है, अल्लाह ताला सारी चीजें बेहतर करेगा। अल्लाह हाफिज़।